बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत का श्रेय बिहार की जनता को देते हुए कांग्रेस और RJD पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान वोटर किसी के गुलाम नहीं है। BJP की टीम बताए जाने पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले फ्रस्ट्रेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर RJD कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देती तो उसका ये हाल नहीं होता। आपको बता दें कि AIMIM ने राज्य में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 5 पर जीत हासिल हुई थी। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार चुनाव से 7 से 8 महीने पहले हमने RJD के 2 बड़े नेताओं से दिल्ली में बातचीत की थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमने कोशिश तो की लेकिन यह नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूं? आज वोटर किसी का गुलाम नहीं है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को राज्य में 70 सीटें देना एक बड़ी भूल थी। आप एक ऐसी पार्टी को इतनी सीटें दे देते हैं जिसका स्ट्राइक रेट इतना खराब हो और आप हमारे साथ गठबंधन से परहेज करते हो। ओवैसी ने RJD और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा, आज का वोटर किसी का गुलाम नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये वोटरों की बेइज्जती होगी। जो पार्टी ये सोचती है कि वोटर हमारा गुलाम है और हम जो चाहेंगे वैसा होगा, तो वो दिन चले गए। आपको काम करना होगा, उनका दिल जीतना होगा। बिहार चुनाव में जीत से BJP काफी खुश है। पार्टी इस जीत का श्रेय PM मोदी को दे रही है। आज कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों ने PM मोदी की बिहार में पार्टी जीत की बधाई दी और उन्हें शुक्रिया कहा। सूत्रों ने बताया कि सभी मंत्रियों ने वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के दौरान PM मोदी से कहा कि बिहार की जीत उनके विजन और उन्हें जनता से प्राप्त समर्थन के कारण संभव हो पाई है। ध्यान रहे कि 10 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी BJP ने बड़ी बाजी मारी है। उसने इन 59 में से 40 सीटों पर कब्जा कर लिया है। एक उच्च स्तरीय सूत्र ने कहा कि मंत्रियों की पहल से कैबिनेट मीटिंग का माहौल बेहद सुखद हो गया। उसने कहा, जब बधाइयां दी जा रही थी तो PM मोदी भी मुस्कुरा रहे थे, वे बहुत खुश दिख रहे थे। एक अन्य सूत्र ने हंसते हुए कहा, क्या वो खुश नहीं होते? खुश होने के सारे कारण थे। जीत आसान नहीं थी और उनके करिश्मे की बदौलत पार्टी और NDA की झोली में खुशियां डाल दी। PM मोदी बिहार चुनाव में NDA के लीड कैंपेनर थे। उन्होंने 12 रैलियां की। BJP के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के कोर वोटरों ने PM मोदी के पीछे जान लड़ा दी। अमेरिकी दवा कंपनी फिजर की कोरोना वैक्सीन ने ट्रायल्स के दौरान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बाद एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार से वैक्सीन को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करने का सुझाव दिया है। इस बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि फाइजर की वैक्सीन को बहुत ही कम तापमान में रखना होगा, जो कि भारत जैसे देशों के लिए चुनौती है। गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजे बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इन्हें बहुत ही कम तापमान यानी -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने की जरूरत होगी। यह भारत और दूसरे देशों के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गुलेरिया ने यह भी कहा कि कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोल्ड चेन को बरकरार रखना चुनौती होगी, खासकर छोटे कस्बों और गांव में इतने कम तापमान को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी राज्य सरकारें जहां कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरते हुए हैं, तो वहीं दिल्ली को लगातार अनलॉक किया जा रहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि क्या वह मामलों के दोगुने होने का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताए कि उसने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले दो हफ्तों में क्या कदम उठाए। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा, दिल्ली में आंकड़े प्रतिदिन 8,000 से ऊपर हैं। क्या हम आंकड़ों के डबल होने का इंतजार कर रहे हैं? कोर्ट ने दिल्ली को अनलॉक किए जाने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया? स्कूलों को खोला जा रहा है। तह बाजारी और साप्ताहिक बाजार अपने पुराने रूप में लौट आए हैं। दिल्ली सरकार बताए कि हमें इस याचिका का दायरा टेस्ट से आगे बढ़ाते हुए किट की उपलब्धता या अन्य मुद्दों तक क्यों नहीं लेकर जानी चाहिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। एक सर्वे के मुताबिक देश भर में अब तक सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में ही आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को जानकारी दी कि अभी तीसरा पीक चल रहा है। एक से दो दिन में कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद है। टेस्ट जो है कल भी 59,000 से ऊपर टेस्ट हुए हैं। जो पहले वाले पीक थे, जैसे जब 4,400 केस आए थे तब 17,000-18,000 टेस्ट हो रहे थे। आज उससे 3 गुना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टेस्ट बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मैं ये तो क्लियर है कि भाई अभी भी तीसरा पीक तो चल रहा है, बट जो आपकी बात है कि 4-5 दिन में कम हो जाने चाहिए, लगता है कि और एक दो दिन में हो जाए शायद। सर, बेड को लेकर बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए थे और हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा था। हमने 10 सितंबर को प्राइवेट 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80% आईसीयू बेड्स रिजर्व किए थे कोविड के इलाज के लिए। उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, तो उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर कोई वैकेशन नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 12 तारीख को यानी कल हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने जाइए।